तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू बेल रूम के एपिसोड नंबर 21 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज़ इसके नीचे कमेंट और इस वीडियो के नीचे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कि यहाँ पर जो कियोहारू होता है वो यहाँ फुजिताकी जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं उसके मसल्स को अलग कर देता है, जिसकी वजह से वो उसकी मूवमेंट जो होगी बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा कियोहारू सोचता है। अब हम देखेंगे कि वो जब डांस स्टेज पर जाता है तो उसकी मूवमेंट कैसी होती है इसके ऐसा करने के बाद। जब कियोहारू जो होता है इस बात को लेकर सीरियस होता है कि कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, और हम देखते हैं कि वो जो है उसके मसल्स को अलग कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ फुजिता जब बाहर जाता है फ्रेश एयर के लिए तो वहाँ पर कुजी मियाँ मिलता है, जो बोलता है कि अब अगले राउंड जो होंगे वो जीरो सम गेम होंगे, यानी सभी जो पिछले पॉइंट है वो काउंट नहीं होंगे। पिछले पॉइंट काउंट नहीं होंगे मतलब यहीं से दोबारा से डांस स्टार्ट होगा। फुजिता सोचता है कि अब मैं अच्छे से डांस करूंगा, बट उसके मसल जो है वो काम सही से नहीं करते। वो देखते हैं कि उसकी मूवमेंट जो है बहुत तेज हो जाती है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो एक बंदे से जाकर टकराने वाला होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ फुजिता जो है वहाँ पर जाकर रुक जाता है, वो टकराने से बच जाता है। वो सोचता है कि मेरी बॉडी जो है इतनी लूज कैसे हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हायदो ने मेरे साथ क्या किया है। वो कियोहारू के बारे में सोच रहा होता है, वो सोचता है कि वो कहीं ना कहीं से मुझे देख रहा होगा, और वो जो है अपनी इमेजिनेशन करने लग जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वो देख रहा होता है एक जगह से। अब वो सोच रहा होता है कियोहारू कि मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो शायद सही नहीं है। तो यहाँ पर वो अपनी मॉम के बारे में सोचता है। उसकी मॉम ने कहा था कि फुजिता जो है वो एक अच्छा डांसर है, बट उनका जो पेयर है वो सही से अभी काम नहीं कर रहा है, यानी वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। वैसे तो वो जो है बेस्ट डांसर हैं। यहाँ पर वो बात करती है चीन के बारे में भी। चीन के बारे में बताती है कि वो बहुत अच्छी डांसर है, अगर वो दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो आराम से कोई भी कॉम्पिटिशन जीत सकते हैं। साथ में उसकी मॉम बताती है कि जब वो डांस किया करती थी तो वो जो है सिर्फ जीतने पर ध्यान देती थी और डांस के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती थी। बट वो कहती कि जब मैं कोचिंग करवाने के लिए आई तो मैंने जो है डांस की पूरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, जहाँ पर मुझे समझ में आया कि डांस जो है सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता है, डांस के अंदर आप अपने फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो आपके डांस में वो दिखता है, और सैड हैं तभी भी वो दिखता है। यहाँ पर कियोहारू यही सब सोच रहा होता है और उसके डांस को देख रहा होता है। यहाँ पर वो भी देखता है कि कुजी मियाँ भी बहुत ही अच्छा डांस कर रहा है, पर जैसा कि आपको पता है कि कुजी मियाँ की बॉडी कुछ ज़्यादा ही पतली है, यानी उसका बॉडी जो है वो स्किनी टाइप का है, तो इसलिए वो डांस में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बना पाता है। बट फुजिता जो होता है वो ऐसा कर पाता है, क्योंकि जो उसकी पार्टनर है चिन, उसके पास बहुत ज़्यादा ही अच्छी बॉडी है जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा वॉल्यूम बना पाते हैं। बट कियोहारू कहता है इसके बावजूद भी कुजी मियाँ जो है बहुत ही अच्छा डांस कर रहा है और अपने आप को बहुत ही बड़ा दिखा रहा है, और कुजी मियाँ का जो मोशन है वो बहुत ही अच्छा है और इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर वो सोचता है कियोहारू के बारे में भी कि मैंने उसके शोल्डर ब्लेड्स को अलग कर दिया था ताकि वो जो है बहुत ही अच्छा से मूवमेंट करे, वो फुजिता के बारे में कह रहा होता है। साथ में मैंने उसके हिप मसल को भी रिलीज कर दिया था, बट अब मैं देख रहा हूँ कि ये लोग जो है सही से डांस नहीं कर पा रहे हैं, मुझे तो लगा था कि ये म्यूजिक को पकड़ पाएंगे, बट इनका स्पीड तो सही हो गया है बट ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है फुजिता। फुजिता जो होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। ये सब देखकर यहाँ पर कियोहारू कहता है कि अब मुझे नहीं लगता है कि ये जो है जीत पाएंगे, और वो जो है दोबारा से अपने सीट पर जाता है। जहाँ पर गाकू बैठा होता है वहाँ पर वो नहीं बैठता, बिल्कुल साइड में जाकर वो बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों जो होते हैं कैमरामैन, वो आकर गाकू के पास बैठ जाते हैं जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्या लगता है कुकी मियाँ का पार्टनर जो है वो बहुत ही अच्छा डांस कर रहा है, उसका नाम इडोगावा है।
यहाँ पर जो है वो लोग डांस को ख़त्म करते हैं। फुजिता भी बहुत ज़्यादा थक गया होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा होता है, बट वो मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी सुजुका और माको दोनों आ जाती हैं, कियोहारू यहीं बैठा होता है। वो दोनों जो है यहाँ फुजिता के डांस के स्टाइल के बारे में बात कर रहे होते हैं और साथ में अपने डांस के भी स्टाइल के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हर बंदे की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, इसी वजह से जब वो पेयर करते हैं तो उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वही बाहर आती है। यहाँ माको भी कहती है, हाँ मुझे लगता है गाकू की पर्सनैलिटी किसी डॉग के समान है। यहाँ फुजिता के पर्सनैलिटी के बारे में क्यों हारू सोच रहा होता है, उन दोनों की पर्सनैलिटी अलग ही होती है। जहाँ पर एक जो हमारी चीन है वो एक घोड़े के समान है और जहाँ पर हमारा फुजिता है वो जो है एक छोटे से डॉगी के समान है, जो एक दोनों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर टेंगो स्टार्ट हो चुका है, ये जो है दूसरा राउंड है सेमीफाइनल का। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो है कुजी मियाँ बहुत ही अच्छा डांस कर रहा होता है, जहाँ पर गाकू सोचता है कि ये ज़रूर जीत जाएगा क्योंकि उसके स्टेप जो है और भी बहुत ही बेहतर बन के आए हैं बाहर। बट हमारा जो फुजिता होता है वो भी कमज़ोर नहीं होता, वो धीरे धीरे अपनी बॉडी के मूवमेंट को समझना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वो कहती है सुजुकू कि इसने प्रैक्टिस तो नहीं किया था, बट यहाँ पर माको बताती है नहीं, कोच मारिसा ने कहा था कि उसे प्रैक्टिस करना है इस डांस की भी, तो उसने जो है उस डांस की भी प्रैक्टिस करी थी। साथ में कियोहारू सोचता है कि टेंगो के अंदर भी पहले मेल जो होती है वो लीड लेती है, उसको फॉलो करता है हमारा फीमेल। उसके बाद जो कियोहारू होता है उसका ध्यान भी यहाँ पर कुजी मियाँ के कपल्स पे चला जाता है, जहाँ इडोगावा जो होती है बहुत ही खूबसूरत डांस कर रही होती है। कियोहारू का भी ध्यान उन्हीं के ऊपर चला जाता है। वो कहता है कि ओल्ड स्टाइल के तो हैं बट ये बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। अब यहाँ पर कुकी मियाँ को देखकर कोच भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं क्योंकि वो लोग पहले से ही उसे जानते हैं क्योंकि वो बहुत ही लंबे समय से डांस कर रहा है। कोच जो होते हैं वो खुश होते हैं कि यहाँ पर कुकी मियाँ दोबारा आ गया अपने इंजरी को रिकवर करने के बाद। अब होता है कि वो दोबारा से रिस्पेक्ट गेन करने लग जाता है, कियोहारू ऐसा बोलता है। हम देखते हैं जब कियोहारू छोटा होता है तब वो कुजी मियाँ का डांस देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगीरा जो है वो डांस से बाहर निकल चुकी है और ऑडियंस के साथ बैठकर डांस देख रही है। वो सोच रही होती है कि फुजिता जो पहले लीड कर रहा था अब क्यों नहीं लीड कर रहा है। यहाँ पर वो समझती है कि लीड करने का मतलब ये है कि जो उसका पार्टनर होगा वो सब कुछ उसके लिए करेगा। जैसे ऐसे समझ सकते हो कि कभी पार्टी में गए तो गेट जो है वो मेल ही खोलेगा फीमेल को रिस्पेक्ट देने के लिए। और हम देखते हैं कि ये भी जो राउंड है वो ख़त्म हो जाता है। अब स्लो फॉक्स ट्रॉट नाम का एक डांस आता है जो कि थर्ड राउंड होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है बहुत ही स्लो स्टार्ट करते हैं डांस को, इसके अंदर वो अपनी एनर्जी को सेव करना स्टार्ट कर देता है। इतने सारे राउंड खेलने के बाद फुजिता का जो दिमाग होता है वो ब्लैंक हो जाता है क्योंकि उसकी सांसें फूलने लग जाती हैं। यहाँ पर सुजुकू कहती है कि माको तुमने कुछ नोटिस किया, तो वो कहता है कि हाँ मैंने नोटिस किया। यहाँ पर जो कियोहारू है वो बताता है कि हाँ मैंने उसके मसल्स को रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पर सुजुकू कहती है तुम पागल हो क्या, इतने बड़े कंपटीशन में ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें ये घर पे करना चाहिए था ना। वो कहता है कि हाँ मैंने ट्राई किया था कि वो जो है सही से डांस करे, बट वो मुझे लगता है कि वो अब बेकार डांस कर रहा है। यहाँ पर दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर चीन जो है वो सोच रही होती है कि जैसे कि कैसे लीड करना है। यहाँ पर वो जो है सोचती है कि तात्रा जो है उसके लिए गेट खोलेगा, तो तात्रा कहता है कि नहीं मैं जो हूँ गेट नहीं खोलूँगा, तुम क्यों नहीं खोल रही हो। तो यहाँ चीन कहती है कि तुम लीडर हो, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें गेट खोलना है। फिर यहाँ पर जो तात्रा है वो थोड़ा सा गेट खोल देता है, कहता है इतना ठीक है इसमें चली जाओगी, तो वो कहती है कि नहीं पूरा खोलो, तुम्हारे साथ क्या हो गया है। ये सभी चीज़ें वो अपने दिमाग में सोच रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर फुजिता जो होता है वो कहता है कि तुम खुद खोल लो गेट। फिर वो जो है गेट को लात मार कर खोल लेती है। फिर जब गेट के अंदर जाती है तो एक और गेट होता है, वहाँ पर सेम कहता है फुजिता कि इस गेट को भी खोलो, तो वो जो है इस गेट को भी खोल लेती है। ऐसे कम से कम 8-9 गेट खोलने के बाद जब वो आखिरी गेट पर पहुँचती है तो वहाँ पर उस रूम के अंदर जो है जब वो गेट खोलती है तो अंधेरा होता है। अंधेरे में उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो तेज से चिल्लाने लग जाती है कि फुजिता तुम कहाँ हो। फिर वो जो ये भी फील करती है कि वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है फुजिता को। तभी जो है वो समझ जाती है कि जो समझती है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तभी यहाँ पर वो नोटिस करती है सुजुकू कि अरे ये क्या हुआ। फिर हम देखते हैं कि वो जो है अपने मूव को मैच करने लग पाते हैं। मैच जब भी कोई करता है जब एक दूसरे को बिलीव करता है। इलो ने पहला स्टेप जो है मैच कर लिया है।
यहाँ पर कियोहारू भी चौंक जाता है, ये कैसे हो गया, इन्होंने अपने डांस को कैसे मैच कर लिया है। यहाँ पर डांस में मैच करने का मतलब ये है कि वो जो है अपनी बॉडी मूवमेंट जो है एक साथ कर रहे हैं, जिससे कि उनकी मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे मैच हो रही है। यहाँ पर वो सोचता है कि ये पता नहीं कैसे हो गया, ये तो बहुत ही रेंडम है। अब यहाँ जो है बीच में सुजुकु सोचने लग जाती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी जो डांस टीचर थी वो बहुत ही अजीब थी, उसका नाम जो था वो चीरू था। वो जो है बार बार अपने पार्टनर को चेंज करती रहती थी, उसे मजा ही नहीं आता था अपने पार्टनर के साथ डांस करने में, इसलिए वो बार बार चेंज करती थी। बट एक बार उसे सेंगू मिला, सेंगू के साथ जो है उसे बहुत अच्छा लगा डांस करने में, तो वो जो है उसके साथ ही डांस करने लग गई। अब पता नहीं उसके अंदर क्या मैच हुआ, बट वो जो है परफेक्ट डांस कर रहे थे। अब यहाँ पर जो मूव कर रहा होता है फुजिता, वो बिल्कुल सेंगू की तरह ही कर रहा होता है, बट जो सेंगू होता है वो तो प्रो लेवल का डांसर है, तो यहाँ पर जो फुजिता होता है उस तरह के मूवमेंट भी करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं बीच में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट वो दोबारा से अपने स्टेप जो है मैच करने लग जाते हैं। ये सब देखकर ये लोग बहुत ज्यादा चौक हो जाते हैं कि ये कैसे कर पा रहे हैं एक दूसरे के मूवमेंट को मैच। यहाँ पर जो ची होती है वो भी हैरान होती है, फिर वो दिमाग में जब सोचती है कि यहाँ पर जब वो अंधेरे कमरे में थी तो फुजिता यहाँ पर उसके पास आता है। फुजिता कहता है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं, तो हम गेट को एक साथ खोलें, ये भी तो हम कर सकते हैं, इस तरह से हमारी एनर्जी भी बच जाएगी। यहाँ पर जो पहले चीन होती है उसको समझ में नहीं आता है, वो कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। साथ में उसे सुजुकी की बात याद आती है, वो रूम में कहती है कि जब कोई लड़का तुम्हें होल्ड करता है तो लड़की जो होती है उस होल्ड को किस तरह से एक्सप्रेस करती है उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा डांस कितना अच्छा होगा। फिर वो जो है धीरे धीरे समझने लग जाती है। बट यहाँ पर जो हमारा उस कुजू मियाँ होता है वो भी ये नोटिस करता है कि जहाँ पे वो डांस कर रहा था उसी जोन में यहाँ पर फुजिता भी आ गया है अपनी पार्टनर को लेकर। फुजिता कहता है कि मैं जो हूँ इतना ज़्यादा लीड नहीं कर सकता हूँ, ना तो फॉलो कर सकता हूँ, क्यों ना हम एक साथ ही डांस को कंटिन्यू करें। इसीलिए जो है वो दोनों एक साथ ही उस गेट को खोलते हैं और दोनों जो है एक दूसरे के स्टेप को अब मैच करने पा रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों जो है वो इक्वल ही मानते हैं, जैसा कि 50-50% रोल होता है मेल का और फीमेल का, इस कंसेप्ट पे वो काम करते हैं। अब 50% रोल मेल का होगा और 50% रोल फीमेल का होगा, तो डांस जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है और साथ में आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाती है अगर आपका पार्टनर का रोल 50% होता है और आपका 50%। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ पर आ चुके हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें और नीचे कमेंट करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड तो खत्म हो चुका है। ओवर एंड आउट।